हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज हम बना रहे हैं फिंगर चिप्स, और फिंगर चिप्स बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। और इसे हम बिल्कुल मार्केट के जैसे बनाएंगे, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसके लिए चाहिएंगे हमें आलू, तो आपको इस तरीके के लंबे आलू लेने हैं, और ये सोना आलू है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे चिप्स या फिंगर चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, तो बिल्कुल आपको वही आलू निकाल के देंगे, क्योंकि इन आलुओं में स्टार्च कम होता है, पानी कम होता है। तो ये चिप्स और इसकी फिंगर चिप्स या स्माइली जो भी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छे से बनती है। तो सबसे पहले हम इन्हें छील लेते हैं, और इन्हें छीलने के बाद आप इन्हें पानी में डालते जाएं जिससे कि काले नहीं पड़े। इसे एक बार वॉश कर लेते हैं। तो आलू को काटने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं चाकू से काट के बता रही हूँ किस तरीके से इसे काट सकते हैं आप। वैसे तो नॉर्मली जो मार्केट में हमें चिप्स मिलती है उसके टॉप और बॉटम का हिस्सा ये हटा दिया जाता है, जिससे बिल्कुल एक जैसे चिप्स कटे। इस तरीके से इसे निकाल लें और आप इसे सब्जी में यूज कर सकते हैं। पर अगर हम घर पे बना रहे हैं हमारे, तो इसको क्यों वेस्ट करें, आप इन्हें भी लंबा काट के फ्राई कर सकते हैं। और साथ साथ में आप जैसे फिंगर चिप्स काटेंगे तो इन्हें साथ में ही आप पानी में डालते जाएं जिससे ये काले नहीं पड़े, और ये बिल्कुल अच्छा ठंडा पानी आपको लेना है। अब इस तरीके से आपको लंबा लंबा से काटना है, और अब इस तरीके से हमें इसकी स्लाइस करने हैं ऐसे। चाहे तो आप एक साथ एक के ऊपर रख के और फिर काट लें जिससे एक जैसे साइज के कटे सब, और इन्हें पानी में डाल देते हैं। और आलू काटने के लिए इस तरीके का फिंगर चिप्स कटर भी आता है, या तो आप इसका यूज कर लें। तो इसमें इस तरीके से आलू को सीधा रखना है और आपको इसको काटना है। इसे रखेंगे और ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमने स्ट्रिप इसमें निकाल ली है, इन्हें भी डाल देते हैं। तो ये यहाँ पर सभी मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है, और इस ठंडे पानी में इन्हें 20 मिनट तक रहने देना है। 20 मिनट हो चुके हैं और इन्हें हम अच्छे से धो लेते हैं। तो बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें अच्छे से इसे इस तरीके से आपको हाथों में मसलना है, और इस तरीके से उसका पूरा स्टार्च निकाल लेना है। और अब इसे एक बार और हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और अब एक बार और इन्हें हमें धो लेना है जिससे कि अगर थोड़ा बहुत और स्टार्च अगर होगा तो वो निकल जाएगा। और ये देखिए, पानी यहाँ पर क्लीन है, थोड़ा बहुत ही निकला है, यानी कि अब अच्छे से हमने आलू को धो लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इन्हें बॉईल करने के लिए। पानी में उबाल आ गया है, और अब इन आलू को हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ही बॉईल करना है जिससे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और अब ये हो गए हैं, तो गैस को मैं कर देती हूँ बंद, और इसका पानी अब हमें निकाल देना है। अब इन्हें हम किचन टॉवल में निकाल लेते हैं, इन्हें इस तरीके से फैला दें। और अब इन्हें हमें 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए रख देते हैं पंखे के नीचे, और एक बार आप इन्हें कपड़े से पोंछ लें, और आप चाहे तो इसे फैन के नीचे रख के भी जल्दी से सुखा सकते हैं। और ये देखिए, अच्छे से ये सूख गई है। तो इसे अब हम फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। तो उसके लिए इन्हें प्लेट में हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से ट्रे में रखने के बाद अब इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो फ्रिज में से इन्हें निकाल लिया है, और ये देखिए आप, ये अच्छे से बिल्कुल टाइट हो गए हैं। तो अब इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो अगर इन्हें अभी फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इस टाइम आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये जिप बैग है इसमें डालें। और आप कोशिश करें कि छोटे स्मॉल बैग ही बनाएं, जैसे कि वन टाइम में आप निकालें, उन्हें फ्राई करें, यूज करें, और इस तरीके से बना के आप इसकी एयर निकाल दें और फिर इसे इस तरीके से बंद कर दें, और इसे 7 से 8 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे निकालने के बाद आपको रखना नहीं है, डायरेक्ट डीप फ्राई करना है और यूज करना है। और यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था जो कि गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं।
और इसे अब मीडियम फ्लेम पर हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और आप देखेंगे कि इन आलू के ऊपर एक लेयर आ गई है। तो अभी तो हम इनको निकाल लेते हैं और फिर अगेन इन्हें डबल फ्राई करेंगे और इसी तरह से बाकी की फिंगर चिप्स सभी फ्राई कर लेते हैं 1 टाइम। तो यहाँ पे मैंने सभी फिंगर चिप्स को 1 टाइम फ्राई कर लिया है। एक बार हमने फ्राई करके अब इसे 15-20 मिनट हमें ऐसे ही रहने देना है जिससे ये थोड़े ठंडे हो जाए और फिर इसे हम अगेन फ्राई करेंगे। और जब हम सेकंड टाइम फ्राई करें तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसमें हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये हो गए हैं, एक तो कलर है आप उसे पहचान सकते हैं और दूसरा ये जो बुलबुले हैं ये भी कम हो गए हैं बिल्कुल उस तरीके से, या फिर आप ये देखें जब मैं इसे बजा रही हूँ तो आवाज आएगी बिल्कुल, कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं हमारे, ये आवाज से ही पता चल रहा होगा। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फिंगर चिप्स तैयार हो चुके हैं और लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले फिंगर चिप्स की तरह। तो अब मेरा मन तो मान नहीं रहा है तो मैं तो इसे फटाफट फिनिश करने वाली हूँ मेरे बेटे के साथ।